कि खुद गर्जी सर पे चढ़ के बोल रही है, बस मैं, बस मेरी जात, बस मेरे बच्चे, बस मेरा घर। नहीं हजरत, तू किसी के बच्चे नाल चंगा कर, तेरे नाल ऑटोमेटिक चंगा हो जाए। एक तो हजरत वक्त नहीं मिलता, मेरा बेटा है, मेरी बीवी अक्सर लड़ती है उसके लिए मुझसे, तुसी बच्चे नू टाइम नहीं देंदे, इन्ना उम्र हो गई है, ये नहीं उसको आता, वो नहीं। कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह का वो देखती है ना भाई, जिस तरह का मौलवी ने मुंडे नू होना चाहिए नहीं है। लेकिन मेरे पीरो मुर्शिद ने मुझे एक नुस्खा बताया था, मैं उस पर कार पक्का हूँ, उस पर मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये ठीक ही होगा। मुझे एक दिन हजरत फरमाने लगे, तो अंदाज है ना बुजुर्गों का, मैं कहने लगे बाबा जी तुम चाहते हो तुहाडा मुंडा चंगा होए? मैं जनाब मैं कि छड़ के सारे चाहते हैं। तुम चाहते हो तुहाडा मुंडा नमाजी होए? मैं जनाब तुम चाहते हो तुहाडा मुंडा अल्लाह का जिक्र करने वाला होए? मैं जी। इस तरह काफ़ी बातें फरमान लगे, फिर कोशिश करो लोगों के मुंडे इंज हो जाए तुहाडा आप ही हो जाएगा। एक फकीर का नुस्खा है लगा था हजरत, हर जुमे आके की रोना रो के टुर जाता, यार नमाज ना छो, नमाज ना छो, किसी का दिल ना दुखाओ, माड़िया के काम आओ। और ये हासिल है कुरान का हजरत, अगर किसी को खुश नहीं कर सकते तो नाराज भी मत करो, हाँ पूरी कोशिश करो हजरत, इंशाअल्लाह फिर देखो हजरत रंग लग जाएंगे, फिर रंग लग जाएंगे। सख्त कैफियत है, बहुत सख्त कैफियत है, उसके लिए तैयारी करो हजरत, अल्लाह से माफ़ी मांगा।